प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने हठली जम्बाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई योजनाओं की पट्टिकाओं को उखाड़कर उन पर अपना नाम देकर झूठा श्रेय लेने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई थी, जिसका शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया 10 माह में नूरपुर के लिए स्वीकृत उक्त अस्पताल का काम ही शुरू नहीं करवा पाए हैं। उन्होंने नूरपुर के विधायक पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में घूमकर वे प्रशासन पर नुक्ताचीनी निकालकर वाहवाही लूटने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन नूरपुर के विकास को गति देना अब किसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नूरपुर क्षेत्र के लोग बरसात के बाद क्षतिग्रस्त हुई पीने की पानी तथा सड़कों की दशा सुधारने की राह देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान विधायक अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि नूरपुर क्षेत्र में विकास तो क्या कोई भी अधिकारी आने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 माह के कार्यकाल में अपने विजन डॉक्यूमेंट में शामिल जिले की आवाज को विधायक एक बार भी नहीं उठा पाए हैं, जिससे साबित होता है कि ये सब चुनावी जुमला था। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल सिर्फ जुमलों में बीत गया है, अब चुनावी बेला का एक और जुमला सभी कच्चे मकान मालिकों को पक्का मकान देने वाला आ गया है। उन्होंने कहा कि प्रति पंचायत 150 से 200 लोगों की सूची सामने आ रही है, ऐसे में अकेले नूरपुर क्षेत्र में करोड़ों की राशि उक्त योजना के तहत मकानों के लिए चाहिए, जबकि पूरे हिमाचल में तो क्या स्थिति होगी। लेकिन भाजपा की ये कांट की हड्डी अब नहीं चढ़ेगी। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र के जुमलों की सरकार और नूरपुर में ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएं और आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इनका एक बहुत सालों से सुजैली बाजार में एक इन्होंने छोटा सा एक सब्जी और वगैरह बेचने का एक खोखा सा लगाया हुआ था, और खोखा भी क्या लगाया था, पक्का खोखा नहीं है, तिरपाल लगाई हुई थी, और इनको अफसरों को कह के धमकाया गया कि ये जो है इसका जो तिरपाल है इसको उठा लिया जाए और इसको मतलब बंद किया जाए ना, वो पीडब्ल्यूडी की सड़क थी, इनको मैसेजेज आए। मैंने कहा अगर भाई आप किसी को रोजगार नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते, क्या हक है आपका किसी का जो मेहनत से अपनी रोटी कमा रहे हैं उसको छीनने का, और जो बड़े बड़े कब्जे किए हुए उसकी तरफ आप देख नहीं रहे, और जो एक तिरपाल लगा के बाजार में बैठी हुई है अब उसको धमका रहे हो। हमने इनको कहा 28,500 आदमी आपके पीछे खड़ा है, आपने बिल्कुल नहीं उठाना। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जितने हमारे यहां साथी है, हम सब एक दूसरे के साथ है, जहां भी हमारे किसी आदमी के ऊपर नजायज किसी ने डराने धमकाने या किसी को नजायज तंग किया, हम पार्टी वालों को बोलो हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैंने कहा प्लस टू किया कि नहीं किया, 42-16 लाइटें लगी कि नहीं लगी, ये जो सड़क मैंने बोली उसका उद्घाटन किया कि नहीं किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, कई मशीनें बांटी गई, विधवा पेंशन्स, अपंग पेंशन्स सैकड़ों की तादाद में दी गई। मुझे ये बताओ पिछले 10 महीनों में जो विधायक जी जिसको कहते हैं बड़ा दबंग विधायक है, बड़ा तकड़ा विधायक है, जो कहता है फ्राक हो जाता है, 10 महीने में मुझे बताओ कि क्या किया नूरपुर में, बारे पूरे प्रदेश में तो नसीहत देने जा रहे हैं, नूरपुर चुनाव क्षेत्र में क्या किया, जो अनाउंसमेंट हुई 10 महीने में हम चुप रहे पहले कि शायद अभी नए नए बने हैं कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, पर 10 महीनों में एक भी काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, एक भी काम शुरू नहीं हुआ। प्रधान जी मेरे कान में अभी बात करके दे।